क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स न्यूज चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देखें हमारे वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, शाहिद आफरीदी के बाद एक और आफरीदी की मैदानों में धुआंधार एंट्री, और मज़े की बात यह है कि वो शाहिद आफरीदी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये शाहिद आफरीदी के क्या लगते हैं इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। नाज़रीन, ऐसा महसूस होता है कि क्रिकेट का खेल आफरीदी ख़ानदान की रगों में दौड़ रहा है, जिसका एक सबूत यह है कि स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी के बाद अब उनके भतीजे इरफान खान आफरीदीन भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है। इरफान खान आफरीदी ने बुध के रोज़ युगांडा की नुमाइंदगी करते हुए वनातों के खिलाफ महज 17 गेंदों पर 51 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर शाहिद आफरीदी की याद ताज़ा की। इरफान आफरीदी की इस इनिंग्स की बदौलत उनकी टीम ने आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 4 के तीसरे राउंड में वनौतों को 81 रन से हराया। इरफान आफरीदी ने महज 14 गेंदों पर अपने निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की, जो आईसीसी की एसोसिएट क्रिकेट की तेज तरीन निफ्ट सेंचुरी है। इरफान आफरीदी ने कुछ दिन कबल अपने ऑलराउंडर का सबूत देते हुए 10 ओवर्स में महज 23 रन देकर 6 शिकार भी किए थे, जबकि वो मलेशिया की टीम के खिलाफ 71 गेंदों पर 108 रन्स की इनिंग्स भी खेल चुके हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपने हमें इतना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।